नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जेबी डिवोशनल पे। तो हम आपके लिए लेके आ गए हैं महाभारत का एपिसोड नंबर 26। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि कैसे मांस का लोथड़ा जन्म लेता है और अब राजमहल में बहुत शंकाएं पैदा हो गई। अब आगे हमें भी बहुत उत्सुकता है देखने के लिए, तो बिना समय गवाए आइए एपिसोड देखते हैं। ये पार्ट वन है केवल, तो आइए शुरू करते हैं। मांस का लोथड़ा जन्मा है महारानी गांधारी ने। हाँ माद्री, मांसपिंड का प्रसव हुआ है। पर क्यों आर्य? ज्येष्ठ भ्राता और जीजी के ललाट में इतना दुर्भाग्य क्यों लिखा है? केवल उनकी नहीं, ये दुर्भाग्य तो पूरे हस्तिनापुर और कुरुवंश का है, और आपके पुत्र युधिष्ठिर का भी। जीजी, युधिष्ठिर का दुर्भाग्य? मेरे पिताश्री कहते थे कि वो राजा दुर्भागी होता है जिसकी रक्षा के लिए कोई भ्राता अथवा स्वजन ना हो। झंझावट में अकेला खड़ा वृक्ष पहले ही उखड़ जाता है, झुंड हो तो वो उखड़ता नहीं। अच्छा, इसी को विचार करके अब कुंती दूसरे पुत्र के लिए सोचेगी। लगता है सही रहा। हाँ, विचार दे। कुंती, मैंने माद्री की बात पर विचार किया है, यथार्थ कह रही है माद्री। अब जब बड़ी जल्दी कर लिया, हस्तिनापुर का भविष्य युधिष्ठिर ही है, तो चारों दिशाओं से उसकी रक्षा करने वाले चार अनुज भी आवश्यक हैं। तुम्हें फिर सीधे चार मंत्रों के बल पर देवताओं को निमंत्रण देना होगा कुंती। कुरुवंश तुमसे और अच्छा लगा कि मेरी द्वारा ही उनके पुत्र प्राप्ति की इच्छा होगी। चलो संजय। ठहर क्यों गए संजय? फिर कौन मेरे मार्ग में आ गया? महामहिम भीष्म है महाराज। महाराज, मुझे ज्ञात हुआ है कि आपने आक्रमण हेतु सेना का सज्ज किया है। हाँ, मैं दिग्विजय पर निकल रहा हूँ। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में विजय पताका फहराने का संकल्प लिया है मैंने। मैं आपको इसकी अनुमति नहीं दे सकता। मुझे किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अपना क्रोध निकालने जा रहे हैं। आज्ञाओं, आदेशों, अनुमतियों के कारणों में पर्याप्त रह लिया मैं। इन पीढ़ियों के बंधनों को आज तक स्वीकार किया मैंने। कुछ लाभ नहीं हुआ मुझे इससे। परिहार, अवश्य निर्णय लो पुत्र, किंतु जिस नदी के प्रवाह में प्रचंड वेग और गति हो उसका पानी पीने योग्य नहीं होता। जब मन में तीव्र आंदोलन हो तो उसके संकल्प और निर्णय पर कार्य करना योग्य नहीं होता। जब मन शांत हो जाए तब निर्णय करो पुत्र। शांत नहीं होना मुझे। शांति से लिए हुए निर्णयों से क्या प्राप्त हुआ है मुझे? केवल अपमान, उपहास और रिक्तता। राजमाता ने मेरा विवाह करवाया था गांधार की कुमारी से। शांतिपूर्वक लिया हुआ निर्णय था ना वो? क्या प्राप्त हुआ? क्या उस गांधारी ने अपने नेत्र पर पट्टी बांध कर मेरा उपहास किया था अक्षय? किंतु फिर भी आप सबके कहने पर मैंने उसे स्वीकार किया।
क्या प्राप्त हुआ मुझे काशी? मुझे क्या प्राप्त हुआ? धृतराष्ट्र को कब और क्या प्राप्त हुआ है? किंतु महाराज, ज्येष्ठ भ्राता इस प्रकार युद्ध का मार्ग लेने से आपको क्या प्राप्त होगा? होगा, अवश्य होगा। जब शरीर का ज्वर और ताप पंकुश में ना हो तो ग्रामजन जलती हुई लकड़ी से अपना हाथ जलाते हैं। वो पीड़ा शरीर से ताप को निकल देती है। मैं भी ऐसी ही एक पीड़ा को ढूंढने जा रहा हूँ विदुर। तलवार की घाव की पीड़ा को प्राप्त करने जा रहा हूँ। इससे मेरे हृदय की आरास, उसकी चीख, उसकी फुटकार मुझे सुनाई नहीं दे विदुर। मुझे सुनाई न दे। मुझे सुनाई दाती। विवश हो गए हैं ये। मुझे एक भी पुत्र प्राप्त नहीं हुआ ताक्षी। मेरे पत्नी ने मांस के पिंड का प्रसव किया। ये कैसे विडंबना है ताक्षी? चक्षु न होने के कारण आज तक लोगों की दया का भार उठाता रहा। अब उनके पीछे छिपे हुए तीर समान कटाक्ष भी चले। एक ऐसा पुरुष है जो अपनी पत्नी को एक संतान न दे सका। एक संतान न दे सका ताक्षी। ऐसे शब्दों से महादेव का अपमान मत करो पुत्र। गांधारी के घर से बालक की अपेक्षा करना ही भूल थी, मेरी भूल थी। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि एक ही जीवन काल में कोई भी स्त्री 100 संतानों को जन्म दे ही नहीं सकती। भगवान का आशीर्वाद भी विफल नहीं होता। वस्तुतः उसने मांस के पिंड को जन्म नहीं दिया है, उसने 100 संतानों की गर्भबीज का प्रसव किया है। तुम्हारी 100 संतान बीज स्वरूप जन्म ले चुकी है। अल्ट्रा हाईटेक एंड एडवांस टेक्नोलॉजी। मेरा पुत्र साइंस जहां तक पहुंच नहीं सके वहां तक हमारा वेद पुराण और ग्रंथ पहुंच रखे हैं। सभी बातें समझ नहीं उस चीज को। उन सबको मटकों में रखा जाएगा, उसमें चीजें डाली गई हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी जो आजकल के टाइम पे है, टीवीएफ IVF. अब टेस्ट ट्यूब में क्या है ना कि माँ की आवश्यकता तब भी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे तो देख रहे हो ना माँ की आवश्यकता है, ना पिता की आवश्यकता है, बस एक बीज की आवश्यकता है। सब मंत्रों की शक्ति बहुत बड़ी है। महामुनि क्या कर रहे हैं शकुनी? महामुनि ने धरती में गुफा बनाई है महाराज, और उसे क्षितिगर्भ का नाम दिया है। महामुनि ने कहा है कि क्षितिगर्भ में गांधारी के 100 पुत्रों को मनुष्य की आकृति मिलेगी। अब यदि वे चमत्कारी है तो मंत्र जल डालकर मेरे संतानों को जन्म क्यों नहीं दे देते? महामुनि चमत्कार नहीं करते धृतराष्ट्र, महामुनि का ज्ञान चमत्कार करता है। अथर्ववेद की दृष्टा महर्षि जबाल के जमात्र हैं महामुनि। विश्वास धरो पुत्र, महामुनि ने जो कहा है वो अवश्य होगा। महामुनि ने महारानी गांधारी और आप लोगों को स्थिति गर्भ में बुलाया है।
नाम भी उसको गर्भ का ही दिया है। गांधारी ने जो 100 गर्भ बीज भेंट किए कुरुवंश को, उन सभी को मैंने इन 100 घड़ों में स्थापित कर दिया है। माते, ये सभी यहां अभिमंत्रित घी में तैर रहे हैं और अनेक विचित्र चमत्कारिक औषधियों में इनका विकास हो रहा है। उचित समय होने पर इन्हीं घड़ों में से गांधारी के 100 पुत्र जन्म देंगे। तो दोस्तों, टेक्नोलॉजी आज की क्या होगी जिस समय की ये बात हो रही है उस समय से। खैर, कल्पना करने मात्र से ही बड़ी अजीब सी अनुभूति पैदा होती है कि हाँ, एक गर्भ का निर्माण हो सकता है। गर्भ के बाहर सबसे बड़ी चीज है कि उन्होंने जन्म तो दिया, वो भी 100 बीज मनुष्य के। अब आगे क्या होगा, मैं भी बहुत इंतजार कर रहा हूँ और आप भी इंतजार कर रहे होंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, जल्दी लौटेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।